स्वागत है दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्त आज हम जानेंगे ओवरलोड रिले के बारे में, ओवरलोड रिले क्या होता है, ये कैसे काम करता है और कौन सी प्रोटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं और इसमें कौन कौन सा टर्मिनल किस पॉइंट के लिए यूज करते हैं, पूरी जानकारी हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्त कि मेरे हाथ में दो रिले है, ठीक है, दोनों BCH कंपनी का है। एक का रेंज जो है आपका 22 से 30 एम्पियर है और एक का रेंज 3.8 से 6 एम्पियर है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्त हम आपको बता देना चाहते हैं कि ओवरलोड रिले क्या होता है। तो दोस्त ओवरलोड रिले एक डिवाइस है जिसका यूज करके हम मोटर को ओवरलोड प्रोटेक्शन से बचाते हैं, ठीक है। इसको यूज करने से हमें ये फायदा होती है कि अगर हमारा मोटर जो है ओवरलोड होता है तो ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाती है और मोटर हमारा नहीं सड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्त हम जान लेते हैं कि ये जो है टर्मिनल, इसमें कौन सी पॉइंट किस चीज के लिए हम यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये तीनों नोब निकला हुआ है दोस्त। ये हमारा कॉन्टेक्टर हो गया, ठीक है। इस कॉन्टेक्टर में ये जो है पॉइंट यहाँ लगती है और यहाँ पे हम मोटर की, यहाँ पे हमारा इनपुट आता है दोस्त और यहाँ पे हमारी मोटर की जो वायर होती है यहाँ पे कनेक्ट होती है, ठीक है। और ये तीनों नोब इसके अंदर आता है, ठीक है। और उसके बाद मैं बता दूं दोस्त, ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर का, ये बटन, ये स्टॉप के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अगर मोटर आपकी चल रही है और इस बटन को आप दबा दीजिएगा तो हमारी मोटर की सप्लाई कट जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम जान लेते हैं दोस्त सर्किट डायग्राम इसका। देख सकते हैं आप यहाँ पे इसका पूरा सर्किट का सिंबल बनाया हुआ, ठीक है। इसमें टर्मिनल 2, 4, 6 और 95 यहाँ लिखा है, 96 और 98, ये दो टर्मिनल आपको दिखाई दे रहा है, 1, 3, 5 यानी 2, 4, 6 ये टर्मिनल आपको यहाँ दिखोग होगा, 2, 2, 4, 6 ये टर्मिनल होता है दोस्त, ये पावर सप्लाई के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपको दिखा दें यहाँ पे 95, 96 और 98, ठीक है, 95, 96 और 98, जो 95 और 96 है ये दोनों NC टर्मिनल है दोस्त, इसको शॉर्ट किया आपको दिखा रहा है। इसका यूज हम कंट्रोल सर्किट के लिए यूज करते हैं, ठीक है दोस्त। ये हमारा कंट्रोल सर्किट है जो आपको दिखा रहा है, 95, 96, 95, 98, ये टर्मिनल होती है जो कंट्रोल के लिए हम यूज करते हैं। ये हमारा जो टर्मिनल होता है दोस्त, ये पावर वायरिंग के लिए यूज किया जाता है और ये कंट्रोल वायरिंग के लिए यूज किया जाता है। इसका जो है यूज हम बंद करने के लिए यूज करते हैं, स्टॉप करने के लिए, आप देख सकते हैं स्टॉप या रीसेट करने के लिए। तो रीसेट कब करते हैं दोस्त, क्या होता है कि कोई हमारा जो मोटर है वो चलते चलते क्या होता है कि ओवरलोड होने पे ऑटोमेटिक हमारी मोटर जो है ट्रिप हो जाती है, ठीक है। तो जब ट्रिप हो जाती है तो इसे MCB से क्या होता है, इस रिले से जो है सप्लाई नहीं आउटपुट दे पाता है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करता है, इस बटन को 2-3 बार ऐसे पुश करके और रीसेट करना होता है, जिससे फिर हमारा ये जो रिले है एक्टिव मोड में आ जाता है और फिर इसे सप्लाई इस टर्मिनल से पास करने लगती है और उसके बाद जो है मोटर हमारा रन करने लगता है। तो ये रीसेट और ट्रिपिंग के लिए, यानी ट्रिप हो जाता है तो उसको रीसेट करके हम फिर से एक्टिव मोड में लाने के लिए रीसेट करते हैं और मोटर हमारी चल रही है इसको बंद करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। अब दोस्त ट्रिप आखिर मोटर हमारा क्यों करता है दोस्त, तो क्या होती है कि ये जो नोब आपको दिखाई दे रहा है ये वेरिएबल है, मूवेबल है, ये मूव करता है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ जो रेंज दिखा रहा है आपको ये 22 से 30 एम्पियर दिखा रहा है, 22 से 30 एम्पियर। तो ये जो एम्पियर का जो वैल्यू बढ़ाने का दोस्त, यहां से बढ़ता है घटता है ये नोब से, ठीक है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे 22 से 30 एम्पियर ये रेंज दिया हुआ है। अब ये जो अभी है 22 पे है, इसको बढ़ाइए तो ये आया 25 पे और ये आ गया आपका 30 एम्पियर पे, ठीक है। तो यहां से आप अपने लोड को एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मानते हैं कि कोई मोटर है जो 25 एम्पियर करंट ले रहा है या 20 एम्पियर करंट ले रहा है, तो आप इसके हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। तो अगर मानते हैं कि कोई मोटर जो है हमारा 25 एम्पियर करंट ले रहा है, तो ये जो नोब है दोस्त, इस 25 एम्पियर से थोड़ा हम कम रखेंगे, 23 या आपको 22-23 के आसपास ही रखेंगे। इसे रखने से हमें फायदा क्या होगा कि अगर मोड जो है जर्किंग लोड पे अगर कुछ ज्यादा करंट लेती है, ठीक है, तो 25 या 26 या 27 भी लेती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्त कि हमारा जो रिले है मोटर हमारा बंद हो जाएगा और रिले जो है होगा हमारा ट्रिप हो जाएगा। तो जब ट्रिप हो जाएगी तो इससे सप्लाई जाना हमारा बंद हो जाएगा और मोटर
जो है हमारी खड़ी हो जाएगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्त, कि आप अपने मोटर का जो लोड है अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और ये जो है अगर सही से सेलेक्ट नहीं कीजिएगा तो आपका मोटर सड़ सकता है ओवरलोड के सिर्फ कंडीशन में। ऐसे तो नॉर्मल आपका चलता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत, आप यहाँ भी कर दीजिएगा तब भी चलेगा और यहाँ भी कर दीजिएगा तब भी चलेगा, इससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप मोटर को बचाना चाहते हैं तो आप जितना करंट ले रहा है उसके थोड़ी सी कम वैल्यू में सेट करके रखिए, जिससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, कि अगर लोड ज़्यादा भी होगा तो हमारी मोटर जो हमारी रिले है वो ट्रिप हो जाएगी और मोटर हमारा बच जाएगा। तो जब मोटर आपका ट्रिप हो जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप सप्लाई जाता रहेगा कि मोटर हमारी बंद हो जाएगी, यानी मोटर को सप्लाई इस टर्मिनल से सप्लाई जाना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो जब एक कॉन्ट्रेक्टर से कनेक्ट रहता है दोस्तों, ये बटन जब हम दबाते हैं तो इसमें भी आपका NO होता है, ये मैं अगले वीडियो में आपको बनाऊंगा तो बता दूंगा इसमें कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, तो आप सिंपल सी इसका बारे में समझ लीजिए कि ठीक है कि जब ये रिले हमारा ट्रिप हो जाता है और मोटर की सप्लाई जाना बंद हो जाता है, फिर उसको आपको रीसेट करना पड़ता है। जब इसको दो तीन बार पुश कीजिएगा तो फिर हमारा रिले जो एक्टिव मोड में आ जाएगा और ये टर्मिनल हमारा ठीक से काम करने लगा। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ दोस्त कि ये टर्मिनल कौन NO है, कौन हमारा NC है। ठीक है, तो ये मैंने सीरीज बना रखा है दोस्त, सीरीज में मैं लगा देता हूँ, देख सकते हैं। एक तार मैंने जो है बल्ब से लिया, एक दूसरे टर्मिनल में मैंने दूसरा तार जोड़ा हुआ, और ये जो हमने एक वायर का टुकड़ा यहाँ से ले लिया। ठीक है, इतना थोड़ा ठीक से लगा नहीं है, इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ से देख सकते हैं ये मेरा सीरीज में हो गया दोस्त। तो आप देख सकते हैं सिंपल सी है दोस्त। अगर आप सीरीज बनाना नहीं जानते हैं तो उसके वीडियो मैंने बना रखा, मात्र 2 मिनट में इसको कहीं भी और कभी भी बना सकते हैं। तो उसका जो लिंक है मैं उस वीडियो को इंडिस्क्रिप्शन में यानी लास्ट वीडियो के लास्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा दोस्त कि सीरीज जो है कैसे बनाते हैं। तो आप देख लीजिए कि एक टर्मिनल में इसमें लगाया और एक टर्मिनल का जो तार है मैंने यहाँ पर लगा के और एक बल्ब सौ के ला के ये मेरा सीरीज हो गया। ठीक है, अब मुझे चेक करना है, देखिए तो ये हम देख लेते हैं दोस्त, ये हमारा 95, ये टर्मिनल जो हमारा 95 है और ये टर्मिनल 96 है, तो ये दोनों हमारा NC होता है दोस्त। तो कंट्रोल जब सर्किट किया जाता है तो हम इसी का यूज करते हैं, और ये हमारा 98 होता है जो NO होता है, तो इसकी यूज हम नहीं करते, हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सप्लाई देते हैं, यहाँ से हम आउटपुट लेके और फिर हम अपने पुश बटन में यूज करते हैं। ठीक है, और ये हमारा पावर वायरिंग का टर्मिनल है दोस्त। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ दोस्त कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो टर्मिनल आपको दिखाई दे रहा है दोस्त, इसका यूज हम इसका ट्रिप करने के लिए, मोटर जब हमारा ट्रिप होता है तो दोस्त यही जो पॉइंट होती है हमारी लेफ्ट इस साइड में आ जाता है। ठीक है, तो जब फिर हम रिसेट करते हैं तो ये हमारा सही हो जाता है। ठीक है, अगर आप ऐसे भी चेक करना चाहते हैं तो आप इसको भी इस साइड में जब मोटर की वायर कनेक्ट होकर आप इसे पुश कीजिएगा तो हमारी मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो आप यहां से भी चेक कर सकते हैं इसका ट्रिपिंग का, और ट्रिपिंग निकालने के लिए पॉइंट है, आप इसको 2-3 बार पुश कीजिएगा तो ट्रिपिंग निकल जाएगा। ये हमारा पावर वायरिंग के लिए यूज करते हैं और ये हमारा कंट्रोल वायरिंग के लिए यूज करते हैं। तो आज के लिए दोस्त इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।